आखिर अस्त्र और शस्त्रों में अंतर क्या होता है? मंत्रों से संचालित होने वाले दिव्य अस्त्र आखिर कितने प्रकार के होते थे और इनमें कितनी शक्ति होती थी? आज की इस खास वीडियो में हम यही जानेंगे। आप देख रहे हैं द भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देख इस बात की, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। वेदों में 18 युद्ध कलाओं के विषयों पर मौलिक ज्ञान अर्जित है। प्राचीन वैदिक काल में आज के सभी तरह के आधुनिक अस्त्र शस्त्र थे, इसका उल्लेख वेदों में भी मिलता है। उस काल की तकनीक आज के काल से भिन्न थी, लेकिन अस्त्रों की मारक क्षमता उतनी ही थी जितनी आजकल के अस्त्रों की है। हालांकि ये किस तकनीक से संचालित होते थे ये शोध का विषय हो सकता है, लेकिन ये तो तय था कि वे सभी दिव्य अस्त्र मंत्रों की शक्ति से संचालित होते थे। अब जानते हैं अस्त्र और शस्त्र दोनों में अंतर क्या है। दोस्तों, अस्त्र उसे कहते हैं जो किसी मंत्र या किसी यंत्र द्वारा संचालित होते थे। मंत्र और यंत्र द्वारा फेंके जाने वाले अस्त्र बहुत ही भयानक होते थे। इनसे चारों तरफ हाहाकार मच जाता था। जैसे वर्तमान में यंत्र से फेंके जाने वाले अस्त्र तोप होती है, मंत्र से जैसे ब्रह्मास्त्र, पशुपतास्त्र और प्रजन्यास्त्र आदि थे। अब बात करते हैं शस्त्र की, कि आखिर शस्त्र क्या होते हैं। शस्त्र हाथों से चलाए जाने के कारण इन्हें शस्त्र कहते हैं। शस्त्र दो प्रकार के होते हैं, यंत्र शस्त्र और हस्त शस्त्र। यंत्र शस्त्र के अंतर्गत शक्ति, तोमर, पाश, बाण, सायक, शण, तीर, परिघक, भिन्नपाल, नाराज आदि होते थे। वहीं हस्त शस्त्र के अंतर्गत गधा, चक्र, वज्र, त्रिशूल, असी, खंजर, खप्पर, खड़क, मूषक, परशु, शंकु, पटीश, वशी, तलवार, बर्छा, बर्छी, कुल्हाड़ा, चाकू इत्यादि, ये सब होते थे और सभी से युद्ध लड़ा जाता था। अब दोस्तों, आपको हम आपको बताते हैं दिव्यास्त्र से जुड़ी हुई कुछ खास बातें। दोस्तों, अस्त्रों के प्रमुख प्रकार होते थे दिव्यास्त्र और यांत्रिकास्त्र। दिव्यास्त्र वे अस्त्र जो मंत्रों से चलाए जाते थे उन्हें दिव्यास्त्र कहते थे। प्रत्येक अस्त्र पर भिन्न भिन्न देवी या देवताओं के अधिकार होते थे और मंत्र तंत्र द्वारा उनका संचालन होता था। वहीं दिव्यास्त्रों के नाम हम आपको बताते हैं। आग्नेय अस्त्र, प्रजन्य अस्त्र, वाव्य अस्त्र, पनग अस्त्र, गरुड़ अस्त्र, नारायण अस्त्र, पशुपतास्त्र, ब्रह्मशिरास्त्र, एकाग्नी अस्त्र, अघोम अस्त्र और ब्रह्मास्त्र। इसके अलावा बहुत से भयानक अस्त्र भी थे। अब बात करते हैं दिव्यास्त्रों के प्रभावों की। कहते हैं कि आग्नेय अस्त्र से आसमान से अग्नि बरसती थी और प्रजन्य से भारी वर्षा। वहीं वाव्य अस्त्र से आंधी और तूफान शुरू होता था। वहीं सभी अस्त्र शस्त्रों का प्रभाव इतना घातक था कि संपूर्ण युद्ध स्थल का वातावरण भयावह हो जाता था। इससे बचना मुश्किल होता था। जो इन अस्त्रों की काट जानता था सिर्फ वही बच सकता था। अब ये भी जानते हैं कि दिव्य अस्त्रों को साधा कैसे जाता था। इसके लिए बहुत कठिन तप करना होता था। सर्वप्रथम व्रत, उपवास, ध्यान आदि करके मन को काबू में करने के लिए पांचों इंद्रियों को संचालित करने की शक्ति अर्जित की जाती थी। जो व्यक्ति एकचित हो जाता था वही दिव्यास्त्रों को प्राप्त करने की क्षमता रखता था। प्रत्येक शस्त्र पर भिन्न भिन्न देव या देवियों का अधिकार होता था और मंत्र तंत्र या यंत्र के द्वारा उनका संचालन होता था। मंत्रों के बारे में महादेवन कालीमत ने लिखा है कि आपके अंदर योग्यता, पात्रता और पवित्रता है तो मंत्र का प्रयोग आप कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो दोस्तों, ये थे दिव्यास्त्रों अस्त्र शस्त्र की व्याख्या। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए द भक्ति, क्योंकि इसी में है असली शक्ति।